नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपको दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है? दिल्ली का मौसम मेरे लिए बहुत ठंडा है। ठंडा है अभी तक वो कोट वगैरह सिला नहीं, क्योंकि आप तो वही के हैं, महाराष्ट्र में हैं, जहाँ मौसम लगभग एक सा रहता है। दिल्ली का मौसम तो बदलता रहता है, तो बदलते मौसम में आपको भी थोड़ा परेशानी तो हो रही होगी। नहीं, परेशानी नहीं, एक मेरी आदत है कि मौसम कैसा भी रहे उसमें एडजस्ट हो जाता हूं। पता लग गया झारखंड में जो किया आपने कि मौसम के हिसाब से बदल गया आप। पर क्योंकि आपने जो बड़ा, जैसे ही अध्यक्ष बने, जो आप पहले व्यक्ति हैं, एक तो यंग हैं, 52 साल की उम्र में अध्यक्ष बन गए, सबसे यंग अभी बने होंगे। जब आडवाणी जी थे तब तो यंग थे उस वक्त। और आपने अपना स्वागत नागपुर में कराया, दिल्ली में होना चाहिए था, राष्ट्रीय नेता बन गया आप सर दिल्ली। देखिए, मैंने कोई स्वागत नहीं कराया, लोगों ने किया। पहली बात, यहाँ भी स्वागत हुआ, अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ काफी बड़ा स्वागत हुआ। पर उसके बाद में जब मैं नागपुर गया तो मुझे भी पता नहीं था इतना बड़ा स्वागत है, मेरे लिए वो अनपेक्षित था। उन्होंने तो आपको सौंप दिया ना, क्योंकि आप अध्यक्ष तो बन गए नए, पर बाकी जिन लोगों ने राजनाथ जी को चलने नहीं दिया 4 साल तक, वही आपकी टीम है, अभी भी चलेगी 2 महीने तक। 2 महीने में आप कैसे चलाएंगे अपनी पार्टी को जब तक नई टीम नहीं आपकी बनेगी? देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं प्रभु जी, मेरी कोरी स्लेट है, मेरे कोई लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है, और मुझे कोई दिल्ली में आकर अपना पॉलिटिकल करियर बनाने का मेरा एजेंडा नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ पार्टी का काम करने के लिए, और मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ जो दीवालों पर लिखने का काम मैंने किया, मैंने पोस्टर चिपकाने का काम किया, दरिया बिछाने का काम किया, छोटे लेवल पर काम करके यहाँ तक आया हूँ। और इस बार पार्टी के लिए, मैं संगठन को मजबूत बनाने के लिए, पार्टी की वोट बैंक मजबूत करने के लिए, और सबको साथ में लेकर मैं अच्छा काम करूंगा। दूसरा, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट इस 10 दिन की यही है कि सब बड़े नेता, और स्वाभाविक रूप से आप मीडिया में कहते हैं कि मैं नया हूं, मैं जूनियर हूं, या लोग लिखते हैं, मैं तो यही कहा कि आप दरी बिछा करके आए हैं, पोस्टर लगा करके आए हैं, जो आपके ऊपर लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कभी पोस्टर नहीं लगाया, दरी नहीं बिछाई। नहीं, उन्होंने भी लगाया, कई लोगों ने उन्होंने लगाई होगी, पर मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, और अभी भी मैं अध्यक्ष हूं, तो मैं भी इट पार्ट ऑफ सिस्टम। मैं कोई बड़ा हो गया अध्यक्ष करके और बाकी मेरे हाथ के नीचे काम कर, ऐसा नहीं। मैं सब टीम को लेकर काम करूंगा, सबको मिलकर काम करूंगा, और मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई है तो इस 10 दिन में सभी लोग मेरे साथ, जो बड़े लोग हैं, मेरे पीछे खड़े हैं और मेरे लिए अच्छी मदद कर रहे हैं। पीछे दिन धक्का लेने के लिए खड़े हैं या संभालने के लिए खड़े हैं तो बाद में पता लगे ना आपको, तो पीछे जरूर खड़े हैं, तो दिखाई देते हैं। मेरे पीछे ताकत देने के लिए खड़े, धक्का मारने के लिए कोई ताकत दे, क्योंकि राजनाथ जी 4 साल में वो अध्यक्ष भी रहे यूपी के, मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, उसके बावजूद भी जब वो गए तो ऐसा लगा कि एक फेल्ड अध्यक्ष चला गया, क्योंकि उन्होंने खुद कहा मेरे को चलने नहीं दिया गया, उनका स्टेटमेंट हुआ है उसके बाद कि मेरे को पूरी तरह से काम नहीं, नहीं। राजनाथ सिंह जी ने भी अच्छा, एक सवाल सीधी पूछा हूँ कि आपको लगता नहीं जो राजनाथ जी ने कहा कुछ कहा, जिन लोगों का जनाधार नहीं है पार्टी में पिछले 10 साल में उनका कब्जा रहा, ये राजनाथ जी ने भी कहा बाकी लोगों का ना, आप अब 10 दिन में आपको ऐसा लगा कि कोई जनाधार के लोग भी आने चाहिए? मैं प्रभु जी सबको एक हिंदी सिनेमा का गाना सुना था जो नया दौर में था, दिलीप कुमार का, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखेंगे नई कहानी। किनके साथ मिलकर लिखेंगे? सबके साथ। अब मैं पुरानी बातों को, कि बहुत सी बातों को भूल जाना चाहता हूँ, और मैं उसके डिटेल में भी नहीं जाना चाहता। भूतकाल का जो अनुभव है उससे वर्तमान काल में हम ठीक से सोचकर भविष्य की तरफ बढ़े, यही अच्छा होगा। 10 दिन के अंदर आपको क्या लगा कि पार्टी में सबसे बड़ी समस्या क्या है, नेता, कार्यकर्ता या इनडिसिप्लिन? अभी समस्या ऐसी है कि इतना सब बढ़ने के बाद थोड़े बहुत कमियां रहती है, अगर वो कमियां हैं तो उसको भी हम कम करेंगे, और आज वो कमियां इतनी बड़ी नहीं कि हमको मुश्किल है। देखो, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, ऐसे कोई पार्टी में हो सकता है कि जो व्यक्ति बहुत छोटा कार्यकर्ता है वो पार्टी का अध्यक्ष है? मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूं, न मेरे नाना प्रधानमंत्री थे, न मेरी नानी प्रधानमंत्री थी, न मेरा कोई बैकग्राउंड है, मैं एक किसान का, एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक छोटा कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर पर्चे बांटने का काम करता है, वो इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है? ये मिरेकल नहीं है? राजनाथ जी भी उसी तरह से आगे आए थे, राजनाथ जी भी किसी नेहरू या गांधी या किसी ऐसे परिवार से नहीं आए थे, राजनाथ जी भी कार्यकर्ता चल करके अध्यक्ष पर आए। मैंने सवाल आपसे पूछा, 10 दिन के अंदर आपको लगा कि आपकी पार्टी जो है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, इनडिसिप्लिन है, नेता है या कार्यकर्ता नीचे से छोड़ के भाग गए?
देखिए, पार्टी को आज आवश्यकता है सबसे बड़ी कि हमने पार्टी को एक विशिष्ट कार्यक्रमों के तरफ उसका ओरिएंटेशन करना चाहिए। जैसे मैंने पहली बात कही कि हम विकास अभिमुख बने, पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट करें। दूसरी बात, पार्टी में डिसिप्लिन जो है वो और मजबूत बनानी चाहिए। तीसरी बात, जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, पारस्परिक विश्वास और समन्वय, वो अच्छा है पर इसमें और वृद्धि करनी चाहिए। और इन बातों को अगर ठीक से विकसित किया जाएगा तो एक टीम के रूप में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हम मिरेकल कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। टीम को बनाने की तो अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है ना, टीम को लेकर आपने कहा जैसे पारस्परिक विश्वास होना चाहिए। यहाँ तो जो छपता है अखबारों के अंदर ये लगता है कि एक व्यक्ति पार्टी बचाने के लिए नहीं दूसरे को मारने के लिए तैयार है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं क्या हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। राजनाथ जी ने एक सेंटेंस कहा था, कभी मैंने छापा भी था, कि जो नेता रीजनल नेता जिनके पास अपना स्टेट है वो नेता नहीं है, जिनके पास कोई रीजन भी नहीं है वो नेशनल नेता है। ये आपकी पार्टी की स्थिति राजनाथ जी ने एक इंटरव्यू में कही थी मेरे को। देखिए वो राजनाथ जी का इंटरव्यू क्या है मुझे मालूम नहीं, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, पार्टी में आज जरूरी है हमने सबने मिलकर काम करना। और दूसरी बड़ी बात आवश्यकता है कि मीडिया में कम बोलना और नहीं बोलना, ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं बोलना। ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोलना ना, ऑफ द रिकॉर्ड बीमारी खत्म करेंगे आप। ये बिल्कुल खत्म करेंगे, ये मीडिया के साथ, ये जो हमारे यहाँ कोई भी बात होती है और सब मीडिया में चर्चा होती है, देखो कांग्रेस पार्टी की क्यों नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि नितिन गडकरी सबसे प्रायोरिटी एक है कि ऑफ द रिकॉर्ड पार्टी के अंदर जो होता है वो बंद होना चाहिए। देखिए मैं तीन प्रायोरिटी रखूंगा, पहली बात पार्टी की डिसिप्लिन और मजबूत हो, म्यूचुअल ट्रस्ट में वृद्धि हो, और ये मीडिया को डील करते समय ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड इसमें हम कम बोले या ना बोले बिल्कुल बैन लगाएंगे इसके ऊपर, निश्चित रूप से इसमें सुधार करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ कोई भी निर्णय होता है तो सब बाहर ही जाता पहले है। चला जाता तो है, ये चर्चा होती रहेगी तो वो पार्टी को कमजोर करती है। तो पार्टी को मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करके भी पार्टी के कई नेताओं ने कमजोर किया पार्टी को ना। देखो किसने क्या किया मुझे नाम नहीं ले रहा आपको भी, पर मेरी चिंता ये है कि मैं सभी को ये कहूंगा कि हम मिलकर एक चिंता करें कि देखिए कोई केस है, हम क्या देखते हैं, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द केस एंड व्हाट इज द वीकनेस ऑफ द केस। हमारी स्ट्रेंथ बहुत है, अभी भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उसको समय के साथ सुधार लेंगे। और निश्चित रूप से आप एक बात तीनों चीजें स्पष्ट कर ली, पर मेरे को लगता है कि इन कार्यकर्ताओं को कार्डर बेस्ड पार्टी आपने कहा, उसके सामने ये भी है कि आज पार्टी की विचारधारा क्या है, नारा क्या है, ये भी कंफ्यूजन चल रहा है पार्टी के अंदर। मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी से कि आपके जो जमीन के नेता थे उमा भारती हो, चाहे गोविंद आचार्य हो, चाहे आपके कल्याण सिंह हो, अगर मैं गिनाना शुरू करूं बिहार में जाकर के देखें, सब कार्यकर्ता जो जिंदगी से जुड़े हुए थे वो निकाल दिए गए। मुझे ऐसा नहीं छोड़ के मैं आपके बात से सहमत नहीं। देखो हर चुनाव जीत के आए उसको आपने गाड़ जाओ, मैंने 80 सीटें उसने ली, उसको आपने ऐसा निकाला जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं। अभी कोई भी पार्टी में जैसे एक चैनल की सर्विस छोड़कर दूसरे चैनल में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस रहती है। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टी में भी कुछ लोग आते हैं कुछ जाते हैं, अभी ऐसा नहीं होता 10 साल पार्टी से एक भी बाहर नहीं गया और एक भी आया नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये चलती ट्रेन जैसा होता है। अच्छा जो गए हैं उसमें से कहीं ना कहीं किसी को टिकट नहीं मिला, किसी की और कोई प्रॉब्लम थी, उमा भारती को तो टिकट तो नहीं थी बात ना। देखिए कल्याण सिंह की टिकट की बात नहीं थी। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप शायद मेरी बात पर विश्वास रखोगे, इन सब बातों के पीछे कुछ जरूर कारण होंगे, पर मैं ये विश्वास रखता हूँ कि पार्टी की जो इंटरनल बातें हैं जो पार्टी से रिलेटेड है उसका डिस्कशन केवल पार्टी के फोरम पर होगा। पार्टी के बाकी डिसिप्लिन या बाकी कोई भी बातों की चर्चा मीडिया के फोरम पर या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकती। जिन लोगों का नाम लिया मैंने, बड़े बड़े लोग जो छोड़ गए जिनकी वजह से आप चुनाव जीते, मध्य प्रदेश का चुनाव पहली बार अगर आप जीते तो उमा भारती के नाम से जीते, नरेंद्र मोदी के नाम से जीते, वसुंधरा के नाम से जीते। नहीं, एक दुरुस्त करूंगा, उमा जी तो थी पर उसके पहले भी मध्य प्रदेश में अनेक बार हम चुनाव जीते, पर जब वसुंधरा को भेजा गया, जब और दूसरी बात नए नेताओं को उमा जी ने पार्टी छोड़ने के बाद में भी हम जीते हैं। तो उनको लाने के लिए आप कुछ करेंगे या वो माफी मांगे तभी लाएंगे उनको? ऐसा कोई देखो माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। जहां तक मेरा प्रयास यह है कि जो भी कोई लोग हो, जो कोई पुराने थे नए थे, जिनको मैं जोड़ सकता हूं उनको जोड़ूंगा, पर उसको लाते समय प्रदेश के नेता है, हमारे दिल्ली के हमारे प्रमुख नेता है, सबसे विचार विनिमय करके उसका एक मत करके कौन है? तो एक है ना, राजनीति तो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट है, जो अंदर लोग हैं बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सोनिया गांधी से सीखिए आप लोग। सोनिया गांधी को जिन लोगों ने भी बड़ी बड़ी गालियां दी सबको वापस लेके पार्टी में आई, सबको लेके चल सकती है।
आपने कहा कि अध्यक्ष जो है लोकल हैं, लोकल पार्टी को लेकर चलेंगे, यानी कि जो कार्यकर्ता छोड़ के गए पार्टी, अध्यक्ष अपनी ताकत नहीं यूज कर सकता कि मैं ला सकता हूं इन लोगों को? मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी जो कुछ समय ऐसा हुआ एक दो लोग छोड़कर गए थे, मैंने उनको दिल्ली बुलाया, अब नाम नहीं लूंगा मैं आपको, मेरी उनसे अकेले में बातचीत हुई है और मैंने कहा कि हम उसको सुधारेंगे, कि आपकी नाराजी दूर करेंगे। देखिए मैं एडिशन की बात करना चाहता हूँ, मैं दूध में शक्कर डालने की बात करना चाहता हूँ। के बारे में कहा कि आप आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, आरएसएस के नॉमिनी हैं, मोहन भागवत जी ने जब मैंने इंटरव्यू उनसे किया था, उनका दिल्ली से बाहर का व्यक्ति होगा, दिल्ली से बाहर से आप ही आया और तो कोई नाम चलना नहीं था उसके बाद, तो ये बताइए कि आप आरएसएस के प्रभु जी, आपका सवाल मैंने देखा था, वो मोहन जी का वो ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, वो क्या था मैं आपको पता? मैंने कहा दिल्ली से बाहर चार थे, आपने पूछा था कि आपका अध्यक्ष दिल्ली के बाहर का होगा, हाँ, ऐसा पूछा था, हाँ, उन्होंने क्या कहा, हाँ, मुझे जो बीजेपी के नेताओं ने बताया है, हाँ, कि वो दिल्ली से बाहर का अध्यक्ष दिल्ली के बाहर का होगा, तो मैं आरएसएस नॉमिनी कैसे हो गए? नहीं नहीं, तो सवाल मैं आरएसएस, उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने उनको जो कहा वो उन्होंने कहा, तो अडवाणी ने कहा उनको जाएगा, आपका नाम प्रपोज किया, आपको भी अडवाणी। देखिए सबसे पहली बात ऐसी है कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपको देता हूं, आरएसएस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, पर मैं आरएसएस से ज्यादा मेरे जीवन में अगर प्रभाव पड़ा तो विद्यार्थी परिषद का पड़ा। विद्यार्थी परिषद तो आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन, हाँ निश्चित है, इसलिए मैं छुपाता थोड़ी हूँ, आरएसएस इज ए पार्ट ऑफ माय लाइफ कन्विक्शन, मैं कोई इसकी बात छुपाता नहीं। पर बीजेपी अपॉर्चुनिस्ट पार्टी की होती चली जा रही है, अब जैसे जेएमएम के साथ आपने निजगढ़ी का पहला तोहफा जेएमएम की सरकार नहीं, ये तोहफा नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, वहां झारखंड में ऐसी राजनीति चल रही थी कि छोटे पार्टियों को तोड़ने का काम चल रहा था, फिर उसमें अगर ये नहीं होता है तो राष्ट्रपति रूल लाने का प्लान चल रहा था, और उसके बाद वो पार्टी को तोड़कर फिर अपना राज लाने का प्लान चल रहा था। देखो ये राजनीति है, हम राजनीति के खिलाड़ी, आप अपने हार में भी जीत दिखाई देना चाहते हैं, हार में 30 से 18 सीटें पर आ गए, हमने कांग्रेस को इस परिस्थिति का फायदा देने के बजाय हमने ये सोचा कि हंग विधानसभा आइए, झारखंड के जनता के हित में एक स्थिर सरकार आए और विकास विमुख सरकार आए, और हमने उस परिस्थिति में आपको लगता है शिबू सरन विकास प्रमुख हो गए हैं, ईमानदार हो गए हैं, गंगा में स्नान कर चुके हैं क्योंकि बीजेपी में आ गए हैं, हिंदुत्व का प्रचार करेंगे, अब ये सब लगता है आप क्या? एनडीए में अनेक अलायंस थे, ये फारूक अब्दुल्ला जी भी हमारे अलायंस में थे, एनडीए में चले गए आपको, हम अनेक लोगों को लेकर चले हैं। देखिए जिनको जनता चुनकर देती है उनको लेकर चलना पड़ता है। दूसरा एक बात मैं आपको पूछता हूँ, शिबू सोरेन को पैसा किसने कौन से पार्टी ने दिया वोट खरीदने के लिए पार्लियामेंट का? नहीं किसने दिया हो तो उसके बाद कोर्ट जजमेंट भी आ गई। सवाल ये कि अब आपको लगता है शिबू सोरेन आपका विकास का एजेंडा लेके आगे बढ़ेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, शिबू सोरेन जी कोई हमारा एजेंडा लेकर नहीं कर रहे, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, हमने कहा है कि यहाँ के जनता के हित में एक ट्रांसपेरेंट विकास अभिमुख और अच्छी सरकार जनता को देने के आप सबके जिम्मेदारी, हम कॉमन मिलकर इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करें और यह सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त रहे। एक बात बताइए, बीजेपी के अंदर अभी तक समस्या ये थी जो लोग सरकार में थे वो पार्टी भी चलाते थे, जब सरकार नहीं है तो पार्टी वही चलाते, जब पार्टी भी वो सरकार चले, आपका कोई एजेंडा है कि संगठन कोई और चलाएगा, पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी कोई और चलाएगा, वन मैन वन पोस्ट वाली जो बात थी वैसी है, इम्प्लीमेंट उसको पूरा करेंगे आप 100%? जो लोग पार्लियामेंट चला रहे हैं वो संगठन नहीं चलाएंगे 100%? देखो पार्टी का नियम है, नहीं अभी तक तो यही हो रहा था ना, जो पार्लियामेंट चला रहे हैं संगठन में चला रहे हैं। नहीं सर, देखिए एक बात बताओ, पार्टी का नियम है कि जो व्यक्ति एक पद पर है तो वो दो पद नहीं ले सकता, पार्टी में भी और बाहर में, उसका आज तक अभी मैं ये हम सब जगह कर रहे हैं, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, अध्यक्ष बना तो मैंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ दिया। अभी जितने पार्लियामेंट के ऑफिस बेरर हैं वो आपकी पार्टी के भी ऑफिस बेरर थे, अभी तक हैं, आज भी हैं। मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ, ये जो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपको, जैसे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह में डिवीजन ऑफ वर्क है, आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, वो 1.5 महीने में मैंने वही पदाधिकारी रखे, जब नए पदाधिकारी बनेंगे तो उसका एक पद एक व्यक्ति, यही सिद्धांत। जिनके ऊपर पार्लियामेंट्री की जिम्मेवारी है उनके ऊपर संगठन की जिम्मेवारी नहीं होगी, जिनके ऊपर असेंबली की जिम्मेवारी है उनके ऊपर लोकल संगठन की जिम्मेवारी नहीं होगी, बिल्कुल बराबर करने वाले, ऐसे ही होगा। जब सत्ता में आई 1998 के बाद 2009 तक आपकी पार्टी एकदम धरातल पे चली गई, इसलिए कि धरती का कार्यकर्ता तो बाहर हो गए और भाषण देने वाले लोग आगे आ गए, उसको आप करेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और आपका नारा क्या होगा मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद, और आपसे पूछूंगा 5 तीखे सवाल भी।
नितिन जी से हम पूछेंगे आप पांच तीखे सवाल। नितिन जी एक सवाल तो पहले मैं बड़ा सवाल पूछ लेता हूँ। तीखे सवाल में थोड़ी शक्कर डाल दी। शक्कर डालने देखो मैं तो पेट्रोल डालूंगा, आप शक्कर डालने की कोशिश कर लीजिए। अच्छा, पहले ये कि आप एक आपके यहाँ थी एक द्वितीय पंक्ति के नेता, ऐसी बात चलती थी जेन नेक्स्ट, मेरे को लगता है उनको तो सुपरसीड कर दिया आपने, तृतीय श्रेणी के नेता आप आगे आ रहे हैं, तो ये द्वितीय श्रेणी वाले जो आपके हैं ये आपको पूरा सपोर्ट देंगे, इसकी गारंटी है आपको 100% है। मैं कोई श्रेणी की तो बात नहीं करूंगा पर जो लोग हैं सब मुझे अच्छा 55 से ऊपर वाले तो आपने सब सुपरसीड कर दिया ना आपने, वो सब सब सहयोग करेंगे और उनका बहुत अच्छा सहयोग मुझे मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। हिंदुत्व और विकास, आपका मुद्दा पहला नंबर कौन सा होगा? हिंदुत्व का संबंध सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से है और राष्ट्रवाद का संबंध देश की सर्वांगीण उन्नति और विकास से है। एक सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, ये दोनों बातें एक ही है। मतलब वो बिना हिंदुत्व के नहीं हो सकता? नहीं नहीं, जो विरासत से इतिहास से संस्कृति जो हमको मिली हुई है उसी विचार को लेकर आगे जा रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करना ठीक नहीं होगा। क्या बीजेपी की कल्पना बिना आरएसएस के हो सकती है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपका विषय थोड़ा सा अप्रस्तुत है, ये यूनिवर्सल सेट वाली बात है, यानी आप जो डिसजॉइंट सेट वाली बात कर रहे हैं ना वैसा नहीं, दे आर नॉट डिफरेंट। संघ विचारधारा से जो राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिली है, राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिली है, उसी विचार के आधार पर राजनीतिक में काम करने के लिए अनेक लोग काम कर रहे हैं और इसलिए दोनों की अलगता वाली बात नहीं है। अलग नहीं हो सकते ना, कभी अलग नहीं। मोटिवेशन, इंस्पायरेशन और प्रेरणा निश्चित रूप से संघ से मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने सिख दंगों में जो मारे गए थे उसके लिए माफी मांगी, आपको लगता नहीं गुजरात में जो हुआ उसके लिए बीजेपी को क्षमा मांगनी चाहिए? क्या हुआ, इतने 1,000 से ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई मारे गए? मारे क्या, किसने मारे? वो कांग्रेस, जब आपको एक बात बताओ, हिंदुस्तान के इतिहास का मोस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर कोई है? डेवलपमेंट है, नरेंद्र भाई है। दूसरी बात, क्या आपको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री हाथ में बंदूक लेके मारता है लोगों? मैंने मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा बीजेपी को। देखो ऐसा कोई काम हमने किया नहीं है कि मुख्यमंत्री आपने विकास किया है। आज आज हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में दंगे हुए, महाराष्ट्र में दंगे हुए, अनेक लोग मृत्युमुखी हुए वहाँ, और इसलिए राज्य में दंगे होते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति और पार्टी को जिम्मेदार पकड़ के एक सांप्रदायिकता का जहर दिल दिखाने में, जब सोनिया गांधी ने माफी मांगी, मनमोहन सिंह ने माफी मांगी, तो बड़ा दिल होता है ना, उसे छोटा नहीं हो जाता। माफी किसके लिए मांगे, किसने गलती की? ये तो दंगे होना दुर्भाग्यपूर्ण था, सरकार ने उसको हैंडल किया है, ये एक्सीडेंट है। आपको लगता है माफी मांगने का औचित्य नहीं है? कोई माफी, जो गलती करेगा वो माफी मांगेगा, माफी का ही की मांगेगा? अब नितिन गडकरी का सपना क्या है? 21वीं सदी का समृद्ध संपन्न सामर्थ्यशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख और आतंक से मुक्त हो और पूरे दुनिया में एक सच्ची ताकत बने, यही मेरा सपना है। भारतीय जनता पार्टी का सपना है, भारतीय जनता पार्टी इसको मिशन के रूप में स्वीकार करेगी और ये काम करेगी। हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।